हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th हिंदी मीडियम का फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे समतल में गति का नेक्स्ट पार्ट। समतल के गति के हमने दो पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ा। अब हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति भी समतल में गति है, दैट मीन्स टू डायमेंशन मोशन है, द्विमीय गति है। वृत्तीय गति का हमारा आगे और एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर हम उसके बेसिक फंडामेंटल को इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। वृत्तीय गति से बहुत क्वेश्चन कवर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्तीय गति होता क्या है। वृत्तीय गति इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति क्या है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार पथ में गति। मतलब यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति करे कि उसका पथ वृत्ताकार हो, जैसे कोई फैन अपने अक्ष पर घूम रहा, वृत्तीय गति है। तो यदि कोई पिंड अपने वृत्तीय पथ पर गति करे तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। या उसको हम बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए कि सपोज कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, मान लो एक स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से हमने एक रस्सी बांध दिया सपोज, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं। मान लो किसी पत्थर को हमने रस्सी से बांध दिया, हाथ पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हैं, तो इस पिंड की गति क्या होगी, वृत्तीय गति होगी। और यदि यह पिंड यहाँ पहुँच जाए तो ये इसकी दूरी, यदि यहाँ पहुँच जाए तो इसकी दूरी, यदि यहाँ पहुँच जाए इसकी दूरी, जो कि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, समान होगी। तो वृत्तीय गति को हम इस तरह दूसरे शब्द में और क्या कह सकते हैं, यदि कोई पिंड किसी पथ पर इस प्रकार गति करे कि उसका एक नियत बिंदु से दूरी, एक नियत बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहे, नियत रहे, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। तो सामान्य शाब्दिक अर्थ में बोलें तो यदि किसी पिंड के गति का पथ वृत्ताकार हो तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, या थोड़ा अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो ऐसा कह सकते हैं किसी पिंड की इस प्रकार की गति कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव नियत बना रहे, वह क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। और यह जो नियत दूरी है वह वृत्तीय पथ की त्रिज्या कहलाती है। ये इसका परिभाषा है। अब यहाँ पर हम इसका कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में पढ़ें, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो सपोज ये कोई वृत्तीय गति करने वाले पिंड का पथ है, ये इसकी त्रिज्या है सपोज R, ये A पोजीशन है, और सपोज कुछ समय पश्चात इसका पोजीशन ये B है, ये पिंड S है, B विस्थापित हो गया। अब इसके द्वारा इस केंद्र पर जो बनाया गया कोण है, ये केंद्र में जो कोण बना वो सपोज थीटा है। A से B तक ये जो दूरी है, जो उसकी चाप है, रेखीय दूरी है, ये सपोज एस है। त्रिज्या को हमने आर मान लिया है, ये हमने वृत्त का केंद्र मान लिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो टर्म यूज होते हैं उसमें सबसे पहला टर्म है वो है कोणीय विस्थापन। पहला टर्म है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन इंग्लिश में बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ये कोणीय विस्थापन क्या होता है, देखो पिंड का ए प्रारंभिक स्थिति है, बी उसकी टी समय बाद की स्थिति है। सपोज ए से बी तक जाने में उसको टी समय लगा, वहां तक हम उसको ले जाने में टी समय लेते हैं। तो ए से बी पहुंचने पे इसके केंद्र में जो कोण बनता है थीटा, और यदि वो स्मॉल पार्ट हो, छोटा पार्ट हो, तो डेल थीटा भी कह सकते हैं, ये कहलाता है कोणीय विस्थापन, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल थीटा से, या बड़ा पार्ट हो तो थीटा से। मतलब कोणीय विस्थापन का क्या परिभाषा होगा, वृत्तीय गति करने वाले पिंड के किसी क्षण किसी समय पर केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वह क्या कहलाता है, उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। क्लियर। और एस क्या है, इसका रेखीय विस्थापन है, और केंद्र पर बना कोण क्या है, उसका कोणीय विस्थापन है। सेकंड टर्म है इसका
कोणीय वेग, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होता है? देखो कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी को हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू होता है डेल थीटा अपॉन डी टी, डेल थीटा अपॉन डेल टी। यहाँ पर वेरिएबल्स में डेल क्यों लगाया जा रहा है? डेल का मतलब होता है वेरिएबल वैल्यू या स्मॉल वैल्यू, दैट मीन्स वो परिवर्तनशील मान है, क्योंकि पिंड जैसे 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 आगे बढ़ेगा तो थीटा का मान चेंज होगा और समय भी चेंज होगा, इसे डेल लगाया गया है, या उसको हम कैलकुलस के लैंग्वेज में, या इसको हम कैलकुलस के लैंग्वेज में बोलें तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी भी होता है। तो यहाँ पर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन की दर को, जैसे विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द यूज कर देंगे क्या? कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन की दर को, माने केंद्र पर जो कोणीय विस्थापन हो रहा है समय के सापेक्ष, उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट टर्म है, थर्ड नंबर का टर्म है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं हम अल्फा से, और अल्फा इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन टी, मतलब कोणीय वेग परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं, या इसको कैलकुलस के लैंग्वेज में अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी कहते हैं, या इसको ओमेगा के वैल्यू को डी थीटा बाई डी टी रखते हैं तो डी टू थीटा अल्फा इक्वल टू, तब हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये कैलकुलस में ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये है कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, ये थ्री इंपॉर्टेंट टर्म इसमें यूज होते हैं। ठीक है, कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय त्वरण क्या है, और कोणीय वेग क्या है, कोणीय त्वरण क्या है। इसके बाद हम देखते हैं, चूंकि हमने रेखीय वेग पढ़ा है, रेखीय त्वरण पढ़ा है, रेखीय विस्थापन पढ़ा है, तो इनमें हम संबंध देखते हैं आपस में कि यदि कोई पिंड वृत्ति गति करें और यदि कोई पिंड रेखीय गति करें तो दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम कुछ रिलेशन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिलेशन के पहले अपन कुछ टर्म और पढ़ लेते हैं, फिर रिलेशन पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर का टर्म है आवर्तकाल, आवर्तकाल टाइम पीरियड। ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना, ये आगे चल के सब बहुत से चैप्टर में घूर्णी गति में या आगे हम दोलन वगैरह पढ़ेंगे वहाँ सब जगह काम आएगा। तो आवर्तकाल क्या होता है? देखो ये पिंड सपोज ए से गति प्रारंभ किया और इस वृत्ति पथ पर गति करते हुए पुनः ए पर पहुँच गया, मतलब वृत्त के कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में या एक सर्कल अपना कंप्लीट करने में जितना समय लेता है वो क्या कहलाता है? उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, और टी इक्वल टू होता है एक बटे न्यू, जहाँ पर न्यू क्या है? उसकी आवृत्ति है। अभी मैं आवृत्ति भी आपको बता दूं, दोनों का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं और न्यू इक्वल टू होता है वन अपॉन टी। यहाँ पर अपन देखें तो आवर्तकाल का मतलब क्या होगा? न्यू मतलब आवृत्ति, एक चक्कर, चक्करों की संख्या। तो एक चक्कर लगाने में जो समय होता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, और आवृत्ति का मतलब क्या होगा? एक सेकंड में या इकाई समय में चक्करों की संख्या। जैसे सपोज एक सेकंड में वह पिंड 10 बार घूम गया तो 10 उसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। तो दोनों में किस तरह का संबंध है? एक चक्कर में लगाया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, और इकाई समय में या एक सेकंड में वृत्ति पथ पर चक्करों की जो संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्लियर। तो ये फाइव टर्म आपको ध्यान में रखना है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, आवर्तकाल और आवृत्ति। इसके बाद हम यहाँ पर देखें कि इसमें रिलेशन किस तरह के होते हैं, तो कुछ अपन रिलेशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये तो हो गया इसका टर्मिनोलॉजी, दैट मीन्स इसकी परिभाषा। यहां पर देखो ये जो आवर्तकाल होता है, कुछ अपन संबंध देख रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये संबंध आप ध्यान रखना, कुछ रिलेशन
ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T, ये रिलेशन है। मतलब जो कोणीय वेग होता है वह 2π/T के बराबर होता है, या ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/ν, ये एक रिलेशन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, कोणीय वेग मतलब यह 2π/T होता है, 2π का कोणीय विस्थापन है। जब यह कंप्लीट एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, 2π मतलब 360 डिग्री से घूमेगा, ठीक है, क्योंकि हम पढ़े हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये कहाँ से आया, वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, अभी हम पढ़े हैं Δθ/Δt। तो Δθ विस्थापन, यदि इसने पूरा कंप्लीट चक्कर कंप्लीट किया तो अपने केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, 2π बनाएगा, तो 2π हो गया, और समय कितना लिया, टी, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/T होता है, ये आप ध्यान में रखना, किस सूत्र से आया मैंने बता दिया। और 1/T को न्यू कहते हैं, अभी मैं बताया, तो 1/T को न्यू लिखेंगे तो 2π/ν हो जाता है। देखो सेकंड रिलेशन अपन देखते हैं, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, ये संबंध अपन पढ़ रहे हैं, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ तो रेखीय वेग क्या है, v है, और कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। तो v और ओमेगा में अपन संबंध देखते हैं, दोनों में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि इस रिलेशन में देखिए ये चाप है, ये त्रिज्या है, तो हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये होता है। दैट इम्प्लाइज यदि हम दोनों साइड में टी को डिवाइड कर दें या डेल टी को डिवाइड कर दें, ये तो ये हो जाएगा डेल थीटा, या अपन लिख सकते हैं डेल थीटा अपन डेल एस अपन आर लिख सकते हैं। आर में डेल क्यों ही लगेगा, क्योंकि आर का वैल्यू बदल नहीं रहा है, वेरिएबल वैल्यू में हम डेल लगा सकते हैं, आर तो कॉन्स्टेंट है। अब हम क्या करें, डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू आर अपॉन आर, मतलब हमने क्या किया, इस रिलेशन के दोनों पक्षों में डेल टी को भाग दे दिया। अब डेल टी को आप भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल थीटा अपॉन डेल टी, अभी हमने पढ़ा है डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या पढ़ा है, ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी, मतलब स्थिति परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। तो वी हो जाएगा और अपान में आर, दैट इम्प्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो वी इक्वल हो जाएगा आर इंटू ओमेगा। ये रिलेशन होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत यूज होगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर का हमारा रिलेशन है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण जिसको हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा, तथा रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किसे, ए से, में संबंध, इन दोनों में संबंध। अभी हमने दोनों वेग में संबंध देखा, अब हम देखते हैं दोनों त्वरण में संबंध। इसके लिए क्या किए, इसी संबंध को, चूंकि हमको पता है कि v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, इसको t के सापेक्ष समाकलन कर दिया, सॉरी अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका हमने यदि t के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये dv/dt, और इधर का भी हम t के सापेक्ष, तो d/dt ऑफ r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज dv/dt वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a, और r कांस्टेंट है, बाहर कर दूं तो d ओमेगा बाई डी टी क्या होता है अल्फा, तो a इक्वल टू होता है r इंटू अल्फा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध है, और यह कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको वृत्ति गति में आपको ध्यान रखना है, ये हुआ इसका बेसिक फंडामेंटल। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि देखिए किसी भी वृत्ति गति करने वाले पिंड का या किसी कण का किसी पर्टिकुलर टाइम पर गति की दिशा क्या होती है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप। वृत्ति गति करने वाले, वृत्ति गति में पिंड की दिशा,
ये मैं हेडिंग बना दिया, वृत्ति गति में पिंड की दिशा का फैक्टर, कि उसकी पिंड की दिशा क्या होती है या कण की दिशा क्या होती है। यहां पर देखिए, सपोज हम एक वृत्ति गति करने वाले पिंड के पथ की कल्पना करते हैं, ये सपोज कोई वृत्ति गति करने वाला पिंड का पथ है, ये सपोज इसकी त्रिज्या है यार, ये केंद्र है, ये ए पोजीशन है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ए पोजीशन से सपोज, जैसे मैंने अभी बताया था, ये पिंड यहाँ पहुँच गया कहाँ, बी पोजीशन पर, बी पोजीशन पर पहुँच गया। अब यहाँ पर बिंदु ए पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचें, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, या मैं थोड़ा इजी वे में बताता हूँ, ए से बी को हमने मिला दिया, रचना किया, ए से बी को मिला दिया ये। अब हम जानना चाहते हैं कि बी पर या ए पर उसके पिंड की दिशा क्या है। तो सपोज यहाँ पर पिंड की दिशा क्या है, ये है, ये पिंड के गति की दिशा है भी, बी पर भी उस तरह से बताया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा है ओ ए बी, तो हम यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी में बात करें, त्रिभुज ओ ए बी में यहाँ पर ये स्मॉल एंगल है डेल थीटा, बहुत छोटा कोण है, इसीलिए हम उसमें क्या लगाए, डेल लगाए। तो त्रिभुज ओ ए बी में यहाँ पर देखो, यदि हम यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिखें, या यहाँ पर हम यदि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग एक्सोसियंस होता है लिखें, तो मैं इसमें लिख सकते हैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी धन कोण ओ ए बी, ओ ए बी धन कोण ओ बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 180° हो जाएगा। दैट इंप्लाइज इसको हमने लिया है डेल थीटा, ये डेल थीटा ले लिए, प्लस यहां पर आप ध्यान दो ना, ओ ए ओ बी के बराबर है, ये जो ओ ए भुजा है वह ओ बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो चूंकि दोनों भुजा बराबर है, तो आमने सामने के दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हम ज्यामिति से जानते हैं यदि दो त्रिभुज के दो आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां पर ये जो कोण ओ ए बी है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ओ ए बी, दोनों को लिख सकते हैं ओ ए बी, क्लियर। दैट इंप्लाइज डेल थीटा उधर ट्रांसफर कर दें, इसको मैं कोण ए लिख दूं, तो 2 एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180° माइनस डेल थीटा, क्योंकि दोनों को मैंने ए लिख दिया, तो 2 एंगल A हो जाएगा। दैट इंप्लाइज आप 2 इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो डेल ए इक्वल टू इसमें 2 डिवाइड होकर हो जाएगा 90° और माइनस ये हो जाएगा डेल थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल थीटा अपॉन 2 का जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डेल थीटा क्या है, बहुत छोटा कोण है, और जब यह कोण बहुत छोटा है उसमें 2 डिवाइड होगा, तो ऑलरेडी और बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको हम नेग्लिजिबल मान लें। तो देयरफॉर ये जो कोण ए होगा वो 90° हो जाएगा। अब जब कोण ए का मान 90° हो जाएगा, दैट मीन्स कोण बी का मान भी 90° हो जाएगा। तो कोण ए का मान 90° होने के कारण ये जो रेखा है, यहाँ पर जो मैं ब्लू इंक से जो रेखा खींचा हूँ दिशा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और जब ये लंब हो जाएगा, तो त्रिज्या पर किसी बिंदु पर खींची गई लंब को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। वृत्त के किसी बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है वो उसकी स्पर्श रेखा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वृत्ति गति करने वाले किसी पिंड का किसी बिंदु पर जो गति की दिशा होती है वो स्पर्श रेखी दिशा में होती है, ये है वृत्ति गति में पिंड की दिशा। यदि हम इस बात को यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर तो ये भी 90° मैंने बताया, क्योंकि कोण ए कोण बी के बराबर है, तो ये भी यहाँ पर 90° हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर, केवल एक बिंदु की बात नहीं है, सपोज वो यहाँ पहुँच गया तो यहाँ उसकी गति की दिशा ऐसा हो जाएगा, यहाँ पहुँच गया तो ये उसकी गति की दिशा ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यदि कोई पिंड वृत्ति गति कर रहा हो, यदि कोई पिंड वृत्ति गति कर रहा हो, तो किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर उसके गति की जो दिशा होती है वह उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसको हमने इस तरह से मैथमेटिकली प्रूफ किया। इसीलिए आपने देखा होगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ,
कि जैसे बचपन में आपने इस तरह से खेल खेला होगा, हम लोग तो खेलते थे कि हम लोग क्या करते थे, साइकिल को, साइकिल के पीछे वाले चक्के को स्टैंड में खड़ा करके पानी में डुबा देते थे पीछे चक्के को, फिर पैडल चलाते थे। तो चक्का जब गोल 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 घूमता था पानी में डूबा हुआ, तो उसके चक्के से जो पानी दूर फेंकाता था, दूर छिटकता था, वो इस तरह से दिखता था। आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं एक छोटा फिगर, आप समझ गए होंगे, ऐसा तो हर बच्चा खेलता है, मैं आज भी देखता हूँ बच्चों को इस तरह से। ये पानी में डूबा हुआ है, जब हम गोल गोल चलाएं तो इसका वाटर का जो डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन होता है, इधर जाते हुए आप देखते हो पानी को ऐसा। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जब इसके जो पानी के कण हैं वो चक्के के साथ में वृत्ति गति नहीं कर पाते, तो वो अपने स्पर्श रेखी दिशा में चक्के से दूर हो जाते हैं, इसीलिए इसकी दिशा ऐसी होती है। ये आपने देखा होगा कि जब हम किसी हथियार को धार वगैरह कराते हैं, सब्जी काटने के या कुछ भी अपन धार कराते हैं, देखा होगा चक्कू छुरी धार कराने के लिए, तो आप देखा होगा कि एक व्हील होता है, उसमें इस तरह से जब धार करने के लिए टच कराते हैं तो उससे जो चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी के गति की दिशा को आप देखना, कुछ चिंगारी किधर जाती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, या एक सिंपल से एग्जाम्पल के पत्थर को रस्सी से बांधो, ऐसा गोल 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 घुमा के छोड़ दो अचानक, तो फिर वो गोल गोल नहीं घूमता, वो जहाँ पर हम उसको छोड़ेंगे उसी समय क्या होता है, वो स्पर्श रेखी दिशा में दूर चला जाता है और वो सरल रेखी गति करने लगता है। इन चीज़ों को मैं आगे और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, जब वृत्ति गति का हम सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर में तो आपको केवल वृत्ति गति के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं। जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो एक दिन पहले आपको मैं याद दिला दूंगा कि इस चैप्टर की आप रिवाइज कर लेना, क्लियर। तो ये हो गया वृत्ति गति में पिंड की दिशा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण। देखो, किसी भी पिंड के वृत्ति गति करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो अभिकेंद्र त्वरण या अभिकेंद्र बल होता है, और हम यहां पर उसका गणना करते हैं अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये क्या होता है अभिकेंद्र बल, क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्र बल मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो जब कोई पिंड वृत्ति गति करता है तो उस वृत्ति गति करने वाले पिंड के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, वही अभिकेंद्र बल है। यहां पर हम इसकी गणना करेंगे, तो देखो ये कोई वृत्ति गति करने वाले पिंड का पथ है, वृत्ति पथ है ये। सपोज ये इसकी त्रिज्या है, इसका केंद्र है, ये इसका ए पोजीशन है, और जैसा मैं आपको बार बार फिगर बता रहा हूँ, ये इसका बी पोजीशन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका पोजीशन बी। ये यहाँ पर बना हुआ कोणीय विस्थापन है डेल थीटा। अब यहाँ पर हम बिंदु ए पर, यदि हम बिंदु ए पर इसके गति की दिशा देखें तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखी दिशा में, और सपोज इसका वेग क्या है, यहाँ पर वी वन है। यहाँ पर इसके गति की दिशा ये, सपोज यहाँ पर वेग वी टू है। ये एक समान वृत्ति गति है, मतलब वेग क्या है इसका नियत है। इस पर मैं लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूँगा। अब देखो ये डेल थीटा है, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण वो कितना होगा, आप ध्यान दीजिए, वो वाला कोण कितना होगा, कितना होगा, यहाँ पर देखो ये डेल थीटा है, अभी मैंने प्रूफ किया ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 90 कितना हो गया, 180 हो गया, 180 हो गया। तो ये जो अंदर का कोण है, ये वाला कोण अंदर में जो बना हुआ है, वो 180 माइनस डेल थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सामने वाला डेल थीटा है, तो 90 प्लस 90 180 हुआ, और 180 माइनस डेल थीटा में डेल थीटा 8 होगा तो ये भी 180 होगा, क्योंकि डेल थीटा कट जाएंगे, तो टोटल 360 अंश हो जाएगा। और ओ बी, ये पॉइंट को मैंने सपोज सी पॉइंट कह दिया, तो ओ बी सी ए एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये 180 माइनस डेल थीटा होगा, तो इसको डेल थीटा होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्यों, ये सरल रेखा है, और सरल रेखा पर टोटल कोण बनता है 180 डिग्री।
तो 180 माइनस डेल थीटा में डेल थीटा को जोड़ेंगे तभी तो क्या बनेगा, ये 180 बनेगा। तो इसको मैं मिटा दिया, समझाने के लिए लिखा था, ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला कोण डेल थीटा। अब यहाँ पर इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए हमको दो चित्र की आवश्यकता होती है, तो इस फिगर को मैं यहाँ पर एक बार और पुनः बना रहा हूँ, रेड इंक से आप ध्यान रखना, या साइड में बना रहा हूँ। इस फिगर को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, वी वन वी टू को, ये ऐसा, ये वी वन है, ये वी टू है, ये वाला दोनों के बीच का एंगल है डेल थीटा, और ये दोनों का जो कटान बिंदु है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है क्या सी, इस तरह से। अब इस चित्र में एक रचना कर दूँ, मैं छोटा सा रचना कर दूँ, इस दोनों भुजा को मिला दूँ और इसको मैं कह दूँ सपोज डेल वी, ये डेल वी है। अब इसमें देखो, ये डेल थीटा यदि बहुत छोटा एंगल हो तो वी वन और वी टू क्या हो गए, संपाती बिंदु हो जाएंगे, और यहाँ पर वी वन वी टू परिमाण में बराबर है, यहाँ पर माड ऑफ वी वन माड ऑफ वी टू के बराबर होगा, माड मतलब अदिश राशि हो गया ये, क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है, देखो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, लेकिन दोनों परिमाण में बराबर है, इसलिए माड ऑफ वी वन इक्वल टू माड ऑफ वी टू, और इसको मान लेते हैं वी, जो कि अदिश रूप में होगा, इसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे। मतलब यहाँ कहने का मतलब सिंगल वर्ड में बोलूँ मैं तो, वी वन वी टू परिमाण में बराबर किंतु दिशा में अलग अलग है, और दोनों के परिमाण मान लो वी के बराबर है। तो यहाँ पर त्रिभुज में हम इस त्रिभुज में इस बिंदु का मैं नाम दे दूँ सपोज x, और इसका या ऐसा नाम देता हूँ ना इसी के अकॉर्डिंग, ये सपोज है P, ये सपोज है Q। तो त्रिभुज CPQ में, त्रिभुज CPQ में इसमें कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, देखो त्रिभुज में कोण और चाप नहीं होते हैं, कोण तो होता है चाप नहीं होता, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं सरल रेखा होती हैं। तो यहाँ पर जब हम त्रिभुज में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिखते हैं तो बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर त्रिभुज में चाप कहाँ से आया। तो बात यह है कि डेल थीटा बहुत छोटा कोण हो तो सामने की जो ये रेखा है जिसको हम डेल भी से प्रदर्शित किए हैं उसको हम सरल रेखा भी मान सकते हैं और वक्र भी मान सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है, देखिए कि हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के गोल होने के बाद भी जब हम जाके रोड में या फिर जाके मैदान में देखते हैं तो पृथ्वी हमको समतल दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र के हम इतने छोटे से कोण पर रहते हैं या इतने छोटे से चाप पर रहते हैं कि सपोज इतना बड़ा ये ऐसा मान लो, सपोज इतना छोटा कोण है तो यहाँ पर जो लाइन बनेगा उसको आप सरल रेखा भी कह सकते हो और वक्र भी कह सकते हैं। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना कि किसी त्रिभुज का कोण यदि बहुत छोटा हो, लगभग शून्य के बराबर हो, तो उसके सामने बनी हुई जो भुजा है उसको आप सरल रेखा भी मान सकते हो और वक्र भी मान सकते हो, क्लियर, क्योंकि जैसे पृथ्वी का सतह, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना कि त्रिभुज में कहाँ से चाप आ गया, त्रिभुज में भी चाप हो सकता है, कंडीशनल है। तो त्रिभुज इसमें कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, कोण कितना है डेल थीटा, और चाप है यहाँ पर क्या डेल भी, और त्रिज्या है या तो वी वन या तो वी टू, दोनों तो बराबर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वी वन और इसको माड में लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये अभी अदिश राशि है। दैट इम्प्लाइज डेल थीटा इक्वल टू डेल वी अपान, अभी मैंने बताया कि वी वन वी टू को हम क्या है परिमाण में बराबर मान रहे हैं, जिसको वी के बराबर, तो इसको अपन लिख सकते हैं वी, तो डेल वी अपान क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन वी हो जाएगा, ये क्लियर। अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं, डेल थीटा को हम डिवाइड कर देते हैं डेल टी को, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी इंटू वन अपॉन वी को अलग से लिख दिया। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर देखो, डेल थीटा अपॉन डेल टी का जो वैल्यू है वो क्या है, कोणीय विस्थापन की दर, जिसको हम कोणीय वेग कहते हैं, तो ये ओमेगा हो जाएगा, और ये क्या है रेखीय वेग परिवर्तन की दर, जो कि त्वरण होता है, तो इसको हम ए लिख सकते हैं, रेखीय वेग है ये, वेग बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, आपको पता है ये होता है, और यह आएगा वन अपान वी, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो हमको ये निकालना है, त्वरण निकालना है पहले, तो इसको इधर पक्षांतर कर दें तो ए बराबर हो जाएगा वी इंटू ओमेगा। दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है कि v इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, दोनों वेग में भी संबंध पढ़े हैं जस्ट,
तो यहाँ वी के वैल्यू को हम रख दें तो यह हो जाएगा आर इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन मिलता है इस तरह से। तो ये कोणीय त्वरण का फार्मूला है, या इस फार्मूला को हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो यहीं से देखो, ए बराबर अभी हम वी के वैल्यू को रखें, अब वी को रहने दो, ओमेगा के वैल्यू को यहाँ से हटाओ, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू लिख सकते हैं अपन वी स्क्वायर अपन आर। ये है अभिकेंद्र त्वरण, ये अभी हमने निकाला है अभिकेंद्र त्वरण, ये कहलाता है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण, अब हम यदि निकालें अभिकेंद्र बल, इसलिए अभिकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बल बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुणित त्वरण। दैट इंप्लाइज एफ इक्वल टू एम, और त्वरण के मान को रख दें तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो होता है अभिकेंद्र त्वरण का बल का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यह है अभिकेंद्र त्वरण और यह अभिकेंद्र बल। तो यह अभिकेंद्र बल का फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी बल के कारण कोई भी पिंड क्या करता है, वृत्ति गति करता है, और इसकी दिशा हमेशा क्या होती है, केंद्र की ओर होती है, क्योंकि बल सदिश राशि है और इसकी दिशा इस दिशा में होती है। जैसे मान लो ये पिंड है तो इस दिशा में ये कार्यरत होता है अभिकेंद्र बल। क्लियर। तो आगे फिर हम वृत्ति गति को एक और चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आज हमने पढ़ा वृत्ति गति का बेसिक कॉन्सेप्ट, और लास्ट में जाते जाते आपको मैं देखिए वृत्ति गति का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिस पर आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो बहुत डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से उस बात को समझेंगे। ये बात आप सबको पता है कि त्वरण मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। यदि वेग नियत हो तो पिंड में त्वरण नहीं हो सकता। क्लियर। आप मेरे बताने से पहले 2 मिनट आप सोचते रहो कि वेग नियत हो तो त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अपन कैलकुलस में a इक्वल टू इसको dv बाई dt लिखते हैं। अब सपोज यदि v क्या हो, नियत हो, नियत मीन्स कांस्टेंट। यदि वेग नियत हो तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। ये क्लियर बात है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि यदि पिंड का वेग नियत हो तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। अब यहां पर देखो, एक कैलकुलस से भी अपन जानते हैं कि डीसी बाई डीटी इक्वल टू जीरो किसी भी कांस्टेंट का, या डीसी अपॉन डीएक्स कुछ भी कह सकते हैं, ये जीरो होता है। किसी भी नियत राशि का जो अवकलन है शून्य होता है। तो यहाँ पर यदि वेग को हम नियत कर दें तो ऐसे भी नियतांक का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पिंड का वेग नियत हो उसके बाद भी पिंड में त्वरण हो रहा हो, मतलब उसके बाद भी उसका त्वरण शून्य ना हो? तो ये रेयर ऑफ द रेयर केस है, ये होता है वृत्ति गति में। कैसे, देखिए वृत्ति गति में ये कॉन्सेप्ट फेलियर हो जाता है। वृत्ति गति एक ऐसा गति है जिसमें वेग नियत होने के बाद भी त्वरण हो सकता है। कैसे, थोड़ा ध्यान से समझना। ये कोई वृत्ति गति करने वाला पिंड का पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी। अभी मैंने बताया इसकी दिशा है V1, यहाँ पर इसकी दिशा है V2। अब हम कहते हैं कि वेग को नियत होना चाहिए, तो यहाँ पर वेग तो नियत है, V1 बराबर V2 है, लेकिन यहाँ पर वेग की दिशा इधर है और यहाँ पर वेग की दिशा इधर है, यहाँ पर वेग की दिशा इधर है, यहाँ पर वेग की दिशा इधर है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई पिंड वृत्ति गति, एक समान वृत्ति गति करता है, मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वह एक समान वृत्ति गति कर रहा है, तो वेग का परिमाण तो नियत है लेकिन उसकी दिशा क्या है, लगातार बदल रही है। इसलिए हम यहाँ पर वेग को पूर्णतः कांस्टेंट नहीं मान सकते, और इसीलिए क्या होता है कि वृत्ति गति करने वाले पिंड का वेग नियत होने के बाद भी
उसमें त्वरण होता है, इसीलिए भी हम अभिकेंद्र त्वरण की गणना किए हैं। दैट मीन्स वृत्ति गति करने वाले पिंड का त्वरण कभी शून्य नहीं हो सकता, जबकि उसका वेग नियत है। तो बहुत रेयर केस है फिजिक्स का, इसको ध्यान रखना। ओनली टू मोशन ऐसे होते हैं जहाँ पर वेग नियत होने के बाद भी त्वरण शून्य नहीं हो सकता, एक वृत्ति गति और दूसरा स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरता हुआ पिंड। क्योंकि यदि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर कांस्टेंट वेग से गिर रहा है तब भी उसमें गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। तो दो एग्जांपल आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वृत्ति गति एक ऐसा गति है जिसमें वेग नियत होने के बाद भी त्वरण शून्य नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, नेवर नॉट इक्वल, नेवर कैन बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तथ्य है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है समतल में गति का पोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, वृत्ति गति उसके उसी चैप्टर में लास्ट में और डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये था उसका बेसिक फंडामेंटल। ओके, थैंक यू।